हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गौतम प्रसाद। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए आप, और उसमें हम दो क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये जो आज का हमारा जो टॉपिक लिया है हमने, जो विषय वो पॉलिटिकल साइंस नैतिक विज्ञान बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का है। तो जो चैप्टर आपका 7 है, भारत के मानवाधिकार, तो इसमें हम यह भी जानेंगे कि मानवाधिकार होते क्या चीज है, मानवाधिकार का जो शब्द है वो कहां से सबसे पहली बार प्रयोग हुआ उसके बारे में, और इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करना है। तो तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि हमें तुलना करनी है। अब वो तुलना किससे करनी है हमें, हमें चीन के मानवाधिकार से और भारत के मानवाधिकार से। तो मानवाधिकार बच्चों, सबसे पहले आपको हमें यह जान लेना है कि मानवाधिकार होता क्या है। देखिए, मानवाधिकार जो है आपका, जो मानव को दिए जाने वाले अधिकार होते हैं उसी को मानवाधिकार कहते हैं। तो मानवाधिकार जब हम जानेंगे और इसको पढ़ेंगे हम, तो इसमें हमें दो चीजें यह जाननी है कि क्या चीन के मानवाधिकार और भारत के मानवाधिकार क्या समान है। यदि वो समान है तो वो कौन कौन से समान है, यदि वो समान नहीं है तो वो कौन कौन से समान अधिकार नहीं है। तो हमें उसकी चर्चा आज करनी है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हमारा जो क्वेश्चन इसका एक बनता है 20 नंबर का, जो हमारे जो पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, तो कई बार ये क्वेश्चंस आया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है वो आज खत्म कर देंगे, और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, बस आपको समझना है, ध्यान से बस सुनना है आपको, और यह वीडियो आपको सुनने के बाद अच्छी लगे सब्सक्राइब शेयर और जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करना है आप सभी को, और भेजना है ताकि इसी तरीके से आपके लिए आगे और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं, वो क्वेश्चंस किस प्रकार का आपका आएगा। तो क्वेश्चंस जो दोस्तों आपका है बच्चों, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत और चीन के मानवाधिकार के तुलनात्मक अध्ययन करें। भारत और चीन के जो मानवाधिकार हैं के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, एक तो ये पूछ लेगा 20 मार्क्स में। तो ऐसे एक और भी दिया गया है, मानवाधिकार के विकास के तुलनात्मक पर प्रकाश डालते हुए भारत और चीन की मानवाधिकारों का वर्णन करें। तो दोनों ही क्वेश्चन देखिए एक ही तरीके का है, हमें अगर पूछ रहा है भारत और चीन के मानवाधिकार के बारे में, तो हमें उसके ही बारे में बताना है जो कि हमसे उसने पूछा है। तो आइए, हम इसमें कुछ चीजें हैं जो हम जिसको हम जान लेते हैं कि क्या किस 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 चीज से जो मानवाधिकार है हमारा, किस किस तरीके से वो बना हुआ है, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा मानवाधिकार का सबसे पहले जो उपयोग किया गया, वो हमारा उपयोग सबसे पहले फ्रांस में किया गया। अब फ्रांस, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति, तो वहां पर स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले ही मजदूर वर्गों ने क्या किया, जो तृतीय श्रेणी के वर्ग जो थे, उन्होंने आजादी के लिए, वोटिंग के लिए, कर से छुटकारा पाने के लिए राजा के खिलाफ क्या किया, एक बगावत छेड़ दी, और जिसे को हम क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति। तो उसी से जो अधिकार शब्द का, जो अब सबसे पहले जो मानवाधिकार का शब्द का जो प्रयोग किया गया, वो कहां पर उपयोग किया गया, फ्रांस में। तो 12 अगस्त 1789 में टॉम्स पेन ने किया था इसका, जो फ्रांस में जो उपयोग किया था मानवाधिकार का। तो इसी समय क्या हुआ, मानवाधिकार शब्द का उल्लेख किया गया, और इस शब्द का प्रयोग मानवाधिकार पर एक लेख लिखा गया, और जिसका शीर्षक क्या रखा गया, मनुष्य का अधिकार। जब टॉम्स पेन ने जब इसका उपयोग किया, तब इसके ऊपर एक लेख लिखा गया। तो लेख बच्चों को क्या था, लेख में वो जो शीर्षक उसका दिया गया कि मानव का अधिकार, जो मानव को दिए जाने वाले जो अधिकार हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो यहां पर जो अधिकार सबसे यह मतलब आता है कि जैसे कि एक हर एक व्यक्ति को, जो हम भी भारतीय हैं, तो वैसे भी अन्य देशों में भी लोगों को अधिकार मिलते हैं। अधिकार क्या होते हैं, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता को जो ठेस ना पहुंचे, हमें रोका ना जाए, हमें विकास के राह में कोई अड़चन ना डाल दे, तो इन सभी, जैसे ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, हमें शैक्षिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इस तरीके से। तो फ्रांस में आपने देखा होगा बच्चों कि किस तरीके से जो तृतीय श्रेणी के जो वर्ग होते हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और उनकी जो स्थिति है बहुत ही गंभीर होती है। जो प्रथम श्रेणी पे अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग जो होते हैं, वो उनके ऊपर कर वसूलते हैं, और उसी के कर से वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो पूरी स्थिति, जो तृतीय वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनकी स्थिति, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, एक अधिकार दिया गया। तो वो अधिकार दिया गया ताकि उसके ऊपर कोई भी अत्याचार हो, शोषण हो, तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो
तो यह जो अधिकार जब बना गया, मनुष्य का अधिकार एक शीर्षक लिखा गया, तो इसी समय क्या किया गया, 1946 में, 1946 में यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने अपील की और रूजवेल्ट के आयोग की स्थापना की, और उन्होंने ही पूरे विश्व स्तर में मानवाधिकार की बात कही। उन्होंने क्या कहा, रूजवेल्ट ने कहा कि पूरे विश्व में मानवाधिकार होना चाहिए। तो 1948 में मानवाधिकार की घोषणा कर दी गई, मतलब 1948 वह समय था जिस समय की पूरे विश्व में मानवाधिकार की घोषणा कर दी गई कि मौलिक अधिकार जो मानव को मिलने चाहिए वो अधिकार अनिवार्य है और वो हमेशा मिलने ही चाहिए। तो उसकी बारी चर्चा उन्होंने सब पूरे विश्व में कर दी। तो आगे है ये कुछ जो अधिकार हैं, जैसे कि अब हमने ये जान लिया इसका उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से निकला ये जो, तो कहीं जहां भी पीड़न होगा तो मानवाधिकार वहीं से शुरुआत हो जाएगी कि उनको अधिकार देने हैं ताकि वह उनका शोषण ना किया जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो एक है हमारे भारत में, तो उस अधिकार में हम क्या देखते हैं कि बच्चों से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से क्या किया जाता है, कार्य करवाया जाता है, लेकिन वो एक कानूनी अपराध है। तो ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए क्या किया गया, अधिकार बनाए गए। तो अब हम आते हैं भारत और चीन के बारे में हम धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे, और आप हो सके तो अपना नोट करते हुए चलिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हर तो अब जो हम जो जानेंगे भारत और चीन के अधिकार किस किस प्रकार के रहे हैं और वो क्या दोनों एक समान है और दोनों अलग अलग है तो किस किस प्रकार से डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करते हैं आपसे लिए सामने। तो सबसे पहले आइए जो हम भारत के बारे में बताएंगे, भारत में वो कौन कौन से अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें तीसरे भाग में और 12 अनुच्छेद से लेकर 35वें अनुच्छेद तक क्या दिया गया है, मानवाधिकार, मानव को मिलने वाले अधिकार की चर्चा की गई है। तो हमारे जो भारतीय संविधान में कुल 7 अधिकार थे। देखिए यहां पे जो थे हम उसका इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि पहले 7 अधिकार थे, तो जैसे स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, और आप शिक्षा वो शैक्षिक शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक का, तो इस सब जो जो स्वतंत्रता है इन सभी में, और एक हमारा था संपत्ति का अधिकार। तो इसमें से क्या किया गया, जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो उसमें क्या किया गया, एक अधिकार को निकाल दिया गया और वो अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को जैसे ही निकाल दिया गया तो हमारे अब वर्तमान समय में जो अधिकार बच गए हैं वो हैं 6। तो ये हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो 6 अधिकार हैं हम उन्हीं के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो किस तरीके से उसमें जो अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो आइए हम सबसे पहले जो आपका जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कानून के समक्ष समानता। अब देखिए कानून के समक्ष समानता क्या है, भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति, हर एक क्षेत्र के नागरिक को, का प्रत्येक व्यक्ति को समक्ष समान कानून की अधिकार है। मतलब कि जो कानून क्या है, सभी व्यक्ति के समान है। तो जितने भी जो व्यक्ति हैं, यदि मैं हूं चाहे मोदी जी हैं, तो कानून क्या है, सभी के लिए बराबर है, एक समान है। तो जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो ये देखती है गरीब अमीर, तो कानून क्या है, सभी के लिए बराबर होता है, इसीलिए उस तरीके से बनाया गया है, तो कानून के समक्ष समानता। तो आइए बच्चों दूसरा जो पॉइंट है बच्चों आपका, वो है हमारा धर्म, जाति, भाषा, आवास के आधार पर भेदभाव निषेध। देखो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में साफ साफ यह कह दिया गया है, अनुच्छेद 15 में यह बात साफ साफ तय कर दी गई है कि किस तरीके से जो आपका जो संविधान में जो ये बात कह दी गई है कि 15 अनुच्छेद में कि धर्म, जाति और आपका आवास के आधार पर भेदभाव क्या निषेध है, यदि कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से ये बताया गया हमारे 15वें अनुच्छेद में भारतीय के संविधान के। तो आइए जो हमारा जो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सरकारी नौकरी पाने की समान अधिकार। अब देखिए भारत में क्या है,
कई प्रकार की सरकारी नौकरियां निकलती हैं, रिक्तियां होती हैं, पदियां, उसमें पद निकलते हैं। तो क्या होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि एक अमीर परिवार का ही व्यक्ति जाए उसमें, चाहे गरीब परिवार का जाए। उस सरकारी नौकरी पाने का अधिकार जो है वो हर एक व्यक्ति को है जो भारतीय है, चाहे वो, अब भारतीय शब्द का मतलब यह है कि वो विशिष्ट भी क्यों ना हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उन सभी को समान अधिकार दिया गया है नौकरी पाने का अधिकार में। तो आइए हम जो नेक्स्ट जो हमारा है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो हमारा जो सरकारी नौकरी जो पाने का जो अधिकार है, ये जो अनुच्छेद 16 में यह बात कही गई है, अनुच्छेद 16 में, कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने क्या कहते हैं नौकरी पाने का अधिकार प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से जो हम बच्चे बात करते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, छुआछूत निषेध। अब भारत में जो एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, जो प्राचीन समय से चलती हुई आई है, जो हमने और अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा भी है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कि छुआछूत ज्यादा होती है, लेकिन वर्तमान समय में उसके ऊपर क्या किया गया है, रोक लगाई गई है, ताकि छुआछूत जैसी प्रथाओं को, परंपराओं को खत्म किया जा सके। तो इसीलिए अनुच्छेद 17 में यह वर्णित किया गया है, साफ साफ तौर पर यह कहा गया है, यदि कोई भी छुआछूत करते हुए और पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर गैर कानूनी कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा अनुच्छेद 19(1) में यह बात कही गई है, जो हमारे कुल जो 7 अधिकार थे उसमें से थे, परंतु उसमें से एक अधिकार को निकाल दिया गया और वर्तमान समय में जो बचे हुए अधिकार हैं वो 6 हैं बच्चों। तो अनुच्छेद 19(1) यही बताता है कि जो 7 अधिकार थे एक निकाल दिए गए और हमारे टोटल अभी 6 बचे हैं बच्चों। जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता देखो होती क्या है, हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, वह भी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरह है। हम सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रेस किसी भी न्यूज को छाप सकता है, लेकिन एक बार इसका दुरुपयोग किया गया था आपातकाल के समय, सन 1975 में प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, तो प्रेस को सब चीज छापने से मना कर दिया गया था। तो उस वैसी स्थिति में तो ऐसे कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं इसके पास, तो वो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में साफ साफ तौर पर कहा गया कि व्यक्ति की कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता, मतलब कि उसको जो व्यक्ति की जो कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन और निजी स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था, अनुच्छेद 24 और 25 में इसका वर्णन किया गया है। 24 और 25 में जब यह बताया गया कि जो अनुच्छेद 25 बोल रहा हूं, अनुच्छेद 24 में ही यह बात की गई है, यदि कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि किसी भी कारखाने दफ्तर में कार्य करते हुए पकड़ा गया तो उस बच्चे के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो उनसे बाल श्रम करवा रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो ये हमारे भारत में, क्योंकि भारत हर एक बच्चे को 4 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मुफ्त दिया जाना है, वो हमारे संविधान में दिया गया है। एक है धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के 28 तक में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अब धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसमें क्या कहा गया है, हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। दूसरी चीज क्या है उसमें, कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को दबाव नहीं डालेगा वो धर्म को अपनाने का, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यदि उसको उसमें कुछ खूबी दिखेगी जब वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है अथवा नहीं।
और एक चीज और है, धार्मिक स्वतंत्रता में यह भी बताया गया है कि किसी भी जो शैक्षिक संस्थानों में धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, भाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा लेकिन धर्मों के बारे में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विद्यालय वो स्थान है जहां से कि हर एक बच्चा विविधता का स्थान है, वो ये कह लीजिए आप। तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो भारत में, तो वो है हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। जो हमारा संस्कृति और जो शैक्षिक अधिकार है बच्चों, वो है हमारा 29-30 अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपना विद्यालय खोलने का और अपनी संस्कृति को बचा के रखने का अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि जो समान है या नहीं है, तो वो चीन के हम अधिकारों को देखते हैं। सबसे पहला तो चीन के अधिकार में जब हम पढ़ते हैं, चीन में जो मानवाधिकार जो दिए गए हैं, चीन के संविधान में मौलिक अधिकार के जनवादी गणराज्य के संविधान में अन्य देशों की तरह उसमें जो मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, वो शुरू से नहीं रहे हैं। परंतु जैसे ही जब उसमें कानून बना तो उसमें क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को संज्ञा दी गई। तो जैसे ही वो जो अधिकार आता है तो उसमें कई ऐसे अधिकार हैं, उसमें चीन में नागरिक कानून के समक्ष समान है। कानून के समक्ष क्या है, सभी नागरिक क्या माने गए हैं, चीन में समान माने गए हैं। अब जैसे कि उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, आराम का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, इन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो आप इस चीजों को देखते रहिए, सुनते रहिए आसानी से। तो जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हम उस पर डिस्कशंस करते हैं, उसमें है वो हमारा अधिकार एवं कर्तव्य। जो अधिकार, मौलिक अधिकार को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये जितने भी जो अधिकार हैं वर्गों में विभाजित कर दिए गए हैं, और अनुच्छेद 33 के अनुसार सभी नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र का हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र का हो। ये चीन का है, अनुच्छेद 33 के अनुसार ये सारी चीजें वर्णन उसमें कर दी गई है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आर्थिक अधिकार। जो आर्थिक अधिकार जो बताया गया है बच्चों, वो है अनुच्छेद 32 के अनुसार यह बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 आवश्यकताएं दी गई है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा का अधिकार और प्राथमिक सुविधाएं। ये क्या है, उसके धार्मिक जो आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, 5 प्रावधान दिए गए हैं, वह उनको मिलना ही मिलना है। हर एक बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हर एक बच्चों को खाना मिलेगा, हर एक व्यक्ति को घर रहने के लिए मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें प्राथमिकता दी गई है। हमारे भारत में ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये हमारे भारत से बिल्कुल ही अच्छी है, लेकिन इसको इसी कारण वहां पे गरीबी बहुत कम है और विकास का स्तर बहुत तेजी से वहां पर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आराम का अधिकार। यह जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अधिकार से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब आराम का अधिकार, जैसे जो श्रमिक होते हैं, मजदूर वर्ग जो कार्य करते हैं और थक जाते हैं, उनको आराम करने का भी अधिकार एक दिया गया है। अरे भैया ये ऐसा होना चाहिए, हमारे भारत में भी होना चाहिए। देखियो कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और हमें आराम की जरूरत होती है, लेकिन मालिक क्या बोलता है, अरे हमारे पास बहुत काम है। लेकिन चीन में क्या है, ये जो अधिकार है, आराम का अधिकार श्रमिकों को दिया गया है, वो चाहे तो आराम के लिए वो आवेदन दे सकता है। अब आते हैं हम आराम का जो अधिकार का जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 43 के अनुसार ये बात कही गई है कि श्रमिकों को आराम लेने का अधिकार प्राप्त होगा। एक है हमारा जो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक सुरक्षा का अधिकार। भौतिक सुरक्षा का जो अधिकार है वो है 59 अनुच्छेद 45 के अनुसार, शारीरिक अक्षमता और वृद्धावस्था के जितने भी जो व्यक्ति हैं उनको चीनी भौतिक सुरक्षा उपयोग कराती है। मतलब कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब कि अक्षमता, मतलब कि जो डिसलेबिलिटीज, जो काम करने योग्य नहीं है, जो अपंग है और जो वृद्धा, जो बूढ़े हैं, उनको क्या करते हैं, भौतिक रूप से सहायता देती है जो चीन की सरकार है, अनुच्छेद 45 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
अनुच्छेद 46 में यह बात कही गई है, जितने भी जो बच्चे हैं चीन के, मानव है, जितना भी मनुष्य है, सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हर किसी को शिक्षा को प्रथम कर्तव्य माना गया है, मौलिक कर्तव्य भी बोला गया है, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है वहां पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, हमारा है राजनीतिक का अधिकार। राजनीतिक के अधिकार में वो अधिकार जो वोट देने का अधिकार, बच्चों जो वोट देने का अधिकार है वहां पर 18 वर्ष से जो ऊपर जितने भी जो व्यक्ति हैं, चाहे बच्चे हैं, बिना जाति धर्म रंग लिंग के आधार, बिना भेदभाव किए बिना हर किसी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी चीज, चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार उनके पास प्राप्त है। जैसे कि उनके पास जो अधिकार है वो है आपके 21 वर्ष से हर एक बच्चा ऊपर वो क्या कर सकता है कि चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार अनुच्छेद 35 के अनुसार जो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, वो जुलूस निकाल सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रता दी गई है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 36 के अनुसार व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हर एक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह धर्म को अपना सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 36 के अनुसार यह बताया गया है कि वहां पर जो धर्म है तो हर एक जो किसी के भी धर्म को वो अपना सकते हैं और कोई जबरन नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो एक चीज और है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 37 से 40 तक किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 से लेकर 40 तक में यह वर्णित किया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह बताया गया है कि बिना किसी की अनुमति के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहां पे गैर कानूनी और निवारक नजरबंदी निषेध है, और ये निवारक नजरबंदी बच्चों वही है जहां पर कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा हमारा भारत में पहली बार हुआ था जब 1975 में, जब आपातकाल लगा था। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 48 के अनुसार वहां पर जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वो यह बात कही गई है उसमें कि कार्य करने में महिलाओं को जो है समान अधिकार प्राप्त है, मतलब कि समान वेतन पाने का भी अधिकार है। वहां पर परिवार, महिला, बच्चों के विशेष ध्यान दिया गया, सरकार ने और राज्य ने अपना ध्यान विशेष प्रकार से दिया गया है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। और जाहिर सी बात है महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, महिला प्रथम है, महिला जननी मानी जाती है, इसीलिए महिलाओं को प्राथमिकता देना हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए और देश का भी ये कर्तव्य होना चाहिए। हम आप सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को जितना हो सके उतनी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके और वो विपत्ति के समय उस संकट का सामना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बच्चों वो है मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य वहां पर क्या है, जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो अनुच्छेद 42 के अनुसार कार्य करने का अधिकार है चीन में, यदि कार्य नहीं करोगे तो खाना खाने का भी अधिकार नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को कार्य करना है जब ही खाना मिलेगा। तो ये बहुत ही डिफरेंट जो अधिकार दिया गया है ये भारत से बिल्कुल भिन्न है। तो हमने यहां पर ये देखा किस प्रकार से जो भारत के जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं मानवाधिकार, और जो चीन में जो मानवाधिकार है वह एक समान नहीं है, कुछ हद तक वो भिन्न भिन्न है। तो हमने यहां पर देखा किस तरीके से वहां पर महिलाएं का आराम का अधिकार आपने देखा, मौलिक कर्तव्य का अधिकार, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही भिन्न मानी जाती है। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आगे हम इसी तरीके से मिलेंगे। थैंक यू।